हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार सी क्लास। देखिए ध्यान से, LCM SCF जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो LCM SCF हमने पढ़ा था उसमें जितने भी टेट लेवल तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चंस का हम आज यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरह के कौन कौन से सवाल बनते हैं, वो सारे सवालों की हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, LCM SCF के पोर्शन से। तो ठीक है, तो इसकी पहले की क्लास देखो ध्यान से, जिनको LCM SCF पढ़ना है भाई इसके पहले वाली क्लास आप देख लो, तभी आपको लसमोसा समझ में आएगा, वरना लसमोसा आज की क्लास भी आपको नहीं समझ में आएगी। आज की क्लास अगर आपको समझनी है तो इसके पहले वाली जो क्लास जो मैंने पढ़ाई है उसको जाके आप देखिए, वो पार्ट वन है। इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें पूरी थियरी पढ़ाया हूँ कैसे लसमोसा निकालते हैं, ठीक है। सवालों की तरफ बढ़ते हैं, सिलसिला हमारा शुरू होता है। पहला सवाल देखिए, जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से, जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। शुभम सर आ चुके हैं, रात्रि के 9 बज चुके हैं, एकदम शुभम सर की गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। एक और बात, जो लोग मान लीजिए बाद में आते हैं देखने, अभी रात को 9 बजे नहीं आ पाते देखने, बाद में आते हैं देखने में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बाद में भी देखो, कोई इश्यू नहीं है। बस आप एक काम किया करो ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है ना। आपके लाइक और व्यूज ही तो है हमारे लिए सब कुछ, फीस तो हम आपसे लेते नहीं, लाइक और व्यूज ही तो बस मांगते हैं, वही तो दे दिया करो, लाइक और व्यूज जम के दिया करो, बाकी सब सही है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे पूरा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए सवाल पहला शुरू है, आ गया स्क्रीन पे, देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए ध्यान से सवाल को। लिखा है 16, 24 एवं 48 का लसअ ज्ञात कीजिए। 16, 24 और 48 का, 16, 24 और 48 का लसअ निकालना है। कल मैंने लसअ के तरीके को आपको बताया था कैसे निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 24 का मतलब 2 की पावर 3 गुणे 3, 48 का मतलब 2 की पावर 4 गुणे 3, यही तो बताया था ना लसअ में, यही तो बताया था। अब लसअ इस तरह से हम आसानी से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना कल मैंने बताया था किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए 48 का करना है, अब नहीं पता कि कैसे हमने ये लिखा है, तो आप यहाँ पे 48 लिख लो, 2 से काटो 24 बार में, 2 से काटो 12 बार में, 2 से काटो 6 बार में, 2 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 1 बार में, 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4 बार, तो 2 की पावर 4 × 3 1 बार, तो गुणे में 3, ठीक है ना। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आप इस तरह से लसमसा, देखिए ये भी एक तरीका होता है, एक होता है सिंपल लाइन में आप कर लो, उससे भी होता है, इससे भी होता है, आप जिससे मर्जी उससे करो, बेहतर है कि आप इससे ही करो, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां से लसा बताना है, लसा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर। अब बताइए, चाहे कॉमन हो या ना हो, 2 की मैक्सिमम पावर 4 है और 3 तो 3 ही है, 2 की पावर 4 माने 16, 16 गुणे 3, 16 3 48, इसका लसअ कितना आ गया, तो आपने कहा 48 आ गया, माने कि इसका लसअ कितना आ जाएगा 48, यही आपसे पूछा था, बात समझ में। मसअ पूछता तो मसअ भी बता देते, केवल 2 ही कॉमन है तो 8 आता, मसअ 8 बता देते, 2 का मिनिमम पावर क्यूब हो जाता, ठीक है ना। अगले सवाल में देखते हैं, ये सवाल देखिए बहुत ही अच्छा शानदार सा सवाल है, 36, 108 और 180 का लसअ निकालना है। 36, 108 और 180 इसका क्या निकालना है, तो आपने कहा सर इसका लसअ निकालना है। लसअ निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब 36 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप बोलोगे 9 चौक 36, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जैसे उस तरह से करोगे लाइन बना के तो यही आएगा। 108 का मतलब 27 चौक 108, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब, ठीक है। 180 का मतलब कितना होगा, तो देखो 180 का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 में 15 का गुणा, 12 मतलब 2 का स्क्वायर गुणे में 3 का स्क्वायर, 4 × 9 = 36 और गुणे में 5, ये आपने बता दिया। अब एलसीएम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, चाहे कॉमन। अब देखो सर बोलोगे 180 का हमने कैसे लिखा, तो जिनको लिखने नहीं आ रहा वो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लो मैंने तो एक लाइन में कर दिया, तो मुझे पता था, आप लोगों में समझ लीजिए कुछ लोगों को नहीं पता कि कैसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का क्यूब मैंने लिखा है, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहले 2 से करिए तो 90 आएगा, फिर 2 से करिए तो 45 आएगा, फिर 2 से करिए, फिर 3 से करिए तो 15 आएगा, फिर 3 से करिए तो 5 आएगा, फिर 5 से कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो इस
तरह से आप कर रहे हो कि इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो जिनको नहीं करने आ रहा है, दो दो बार आया तो दो का स्क्वायर, तीन दो बार आया तो तीन का स्क्वायर, और पांच एक बार आया तो पांच, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तरीके से। अब लसा के लिए मैंने क्या बताया था, चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्स पावर दो की अधिकतम घात दो की पावर स्क्वायर है, तीन की अधिकतम घात तीन की पावर क्यूब है, और गुणे में पांच है। दो का स्क्वायर कितना होता है चार, चार पचे कितना बीस, तो बीस गुड़े और तीन का स्क्वायर सत्ताईस, सत्ताईस दुनी के चौवन, यानी आंसर कितना आ गया 540। आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं इसका 540 बहुत ही शानदार तरीके से। बात समझ आई, ये पूरा मैंने बेसिक आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे। देखिए एक और शानदार सा सवाल है, क्या लिखा है पढ़िए, 12, 16, 24 और 36 का लसम, 12, 16, 24 और 36। देखो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैं खुद इतनी सारी प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मैं हर टाइप के सवाल करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। 12 की बात करें तो 2 का स्क्वायर गुड़े में 3, 4 तीन 12 होता है, 2 की पावर 4, 24 का मतलब 2 का क्यूब गुड़े 3, 36 का मतलब 9 चौको 36, 2 का स्क्वायर गुड़े 3 का स्क्वायर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो आप भी ऐसे जल्दी जल्दी लिख लेंगे, बस सारे टर्म्स को आपको करने आना चाहिए। एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्स पावर, अब बताओ 2 की अधिकतम घात 2 की पावर की 3 है, और 3 की अधिकतम घात 3 का स्क्वायर है, और तो कुछ है ही नहीं, 8 9 72, यानी आंसर कितना बनेगा, हाँ और भी कुछ रह गया क्या भाई, दो की पावर चार है ना, यहां से देखो 2 की पावर 4 है बेटा, अधिकतम घात लिखनी है ना, चाहे कॉमन हो या ना हो, 2 की अधिकतम घात कितनी है 4 है, 2 की पावर 4 और गुणे में 3 की अधिकतम घात 3 का स्क्वायर, तो ये 16 9 144, तो आंसर कितना बनेगा 144 वाला, ये वाला आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा सभी को ना, बहुत ही शानदार तरीका है ये, इस तरह से कभी भी गलत नहीं होता आपका। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, 37, 111 और 222, क्या निकालना है, मौसम निकालना है। 37 का मतलब तो 37 ही होगा, 11 का मतलब 37 गुड़े 3 होगा, और इसका मतलब तो 2 गुड़े 3 गुड़े 37 होगा, यही होगा। अब बताइए HCF निकालना है, HCF का मतलब क्या होता है, चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्स पावर, चाहे कॉमन हो या ना, HCF निकालना, सॉरी HCF नहीं, वो तो LCM का मतलब होता है, चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्स पावर, HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर। अब बताओ कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 3 यहां है, 3 यहां है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, कॉमन तीनों में होना चाहिए, 3 नहीं है मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 सिर्फ इसी में बाकी में नहीं है। आप देखो 37 यहां भी है, 37 यहां भी, 37 यहां भी, मतलब HCF कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं शानदार तरीके से, जल्दी से भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सा सवाल, 3 नंबर है, मान लो n1 n2 n3, ऐसे 3 नंबर है, क्या लिखा है, 2 गुड़े 3 गुड़े 5 पहला वाला नंबर, दूसरा वाला नंबर 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर 2 गुड़े 3 गुड़े 7। आपको क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM आपको बताना है। LCM के लिए मैंने क्या बताया, चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्स पावर, मतलब सब कुछ लिखना है, मैक्स पावर 2 की 2 है, फिर 3 की 3 ही है, 5 भी है और 7 भी है, माने इसका LCM 2 3 5 7 तीनों वाला नंबर होना चाहिए, 2 3 5 7 तीनों वाला नंबर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, इस तरह से बात समझ में ना, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ऐसे ही ये वाला HCF बताना है, क्या बताना है इसमें, महोत्सव बताना है, क्या है, 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7, फिर क्या है 3 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े 11, फिर क्या है 2 गुड़े 3 गुड़े 7, ऐसे 3 नंबर है, n1 है, n2 है, n3 है। आपको क्या बताना है भाई, आपको इसमें HCF बताना है। HCF का मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन, जो केवल कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होनी चाहिए। अब ओनली कॉमन में बताओ कौन कॉमन है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें मतलब 3 है, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 भी है, 5 इसमें, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब 3 गुड़े 7 ही इसका आंसर होगा। तो इसका मसा कौन सा हो जाएगा, 3 गुड़े 7। आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। देखो ये सब सवाल में अगर आप ये गुणनखंड विधि लगाते हो ना इस तरह से, तो बहुत जल्दी से आंसर निकलता है और मजा भी आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है नेक्स्ट वाला, पढ़िए क्या लिखा है कि 2 लगातार विषम संख्याएं, क्या लिखा है, 2 लगातार विषम संख्याओं का महोत्सव कितना होगा, 2 लगातार विषम संख्याएं, जैसे 3 और 5 हो गया,
इनका मसा पूछा है। जैसे 5 और 7 हो गया, इनका मसा पूछा है। 9 और 11 हो गया, इनका मसा पूछा है। 41 और 43 हो गया, इनका मसा पूछा है। 15 और 17 हो गया, इनका मसा पूछा है। आप देखो कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन क्या है? मसा पूछा है ना, कॉमन क्या है? कुछ कॉमन नहीं है। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता ना, अगर कोई भी नंबर आप करोगे तो कॉमन नहीं मिलेगा। अगर नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 2 नंबर है, अगर आपको उसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर, और अगर मान लीजिए आपको कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जो नंबर दिया उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 तो सबको काटता है ना, 1 तो सबसे विभाजित होता है, 1 तो सभी का कॉमन होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना होगा? 1 होगा। अगला सवाल क्या कहा है? 2 लगातार सम संख्याओं का मसा, 2 लगातार सम संख्या, जैसे 2 और 4 हैं, ये दिया है, या फिर 4 और 6 हैं, ये दिया है, या फिर 12 और 14 दिया है, ऐसी कोई भी संख्या। आपको पता है ये 2 से कटेगी दोनों, 2 से कटेगी दोनों, 2 से कटेगी दोनों, यानी अगर संख्या 2 से कट रही है तो इसका मतलब 2 उसमें कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो मसा, जो कॉमन होता है वही मसा होता है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है अगले सवाल में। 2 अभाज्य संख्याओं का मसा। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद मसा के बारे में। तो ऐसा नंबर जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब 1 से तो कटना ही चाहिए, स्वयं तो अलग अलग हो सकता है। जैसे 5 है, 7 है, अभाज्य है, 7 है, 11 है, अभाज्य है, जैसे 13 है, 19 है, अभाज्य है, इस तरह की संख्या अभाज्य होती है। अब बताओ इसमें कॉमन कौन दिख रहा है? आप बोलोगे 1 ही से कटेगा, तो कॉमन इसका कौन होगा? 1 होगा, तो इसका मसा कितना होगा? 1 होगा। इस तरह की संख्याओं का मसा कितना होता है? 1 होता है। बहुत ही शानदार शानदार सवाल। एक और बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो मेरी क्लासेस है, जिस क्लास का जो क्वेश्चन का लेवल है, ये सिर्फ टेट लेवल है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करो, मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको, ये एसएससी की क्लास नहीं है, यूपीएसआई की क्लास नहीं है, सिर्फ टेट वालों के लिए पढ़ाता हूं मैं, सिर्फ रेलवे की भी क्लास नहीं है, इसमें सिर्फ टेट वाले पढ़ते हैं, सिर्फ टेट वाले के काम का ही क्लास है भाई, ठीक है ना? बाकी लोगों का लेवल ज्यादा होता है, टेट का लेवल उतना ज्यादा नहीं है, काम का है, जितना है उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, देखिए क्या लिखा है। अरे भाई ये तो फ्रैक्शन का आ गया। किसका आ गया? फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो अगर भिन्नों का मसा पूछे, भिन्नों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, भिन्नों का अगर एचसीएफ पूछे तो आपको क्या करना है? अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएम, ये तरीका लगाना है आपको। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि भिन्नों का मसा कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? भिन्न का अगर मसा पूछा है तो अंश का मसा बटे हर का लसा, और अगर मान लीजिए भिन्नों का लसा पूछ दिया, भिन्नों का लसा एलसीएम पूछ दिया, तो क्या बताएंगे? अंश का लसा यानी एलसीएम बटे हर का मसप एचसीएफ, ठीक है ना भाई? ये तरीका होता है भिन्नों का लस और मस निकालने के लिए। बात समझ में? अंश का लस बटे हर का मस। ऐसे अगर देखिए भिन्नों का एचसीएफ पूछे, जिसका एचसीएफ पूछा, अगर एचसीएफ पूछा है तो अंश वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का उल्टा, यानी एलसीएम, ठीक है ना? अंश का देखो अगर एचसीएफ पूछा, मस पूछा, तो अंश का मस बटे हर का लस, हर वाला हमेशा उल्टा रहेगा, मस पूछा तो लस रहेगा, लस पूछा तो मस रहेगा। अगर मान लो एलसीएम पूछा, तो जिसका पूछा है वो अंश का वही रहेगा, अंश का सही रहेगा, और हर का उसका क्या हो जाएगा? उल्टा यानी मसा हो जाएगा। ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो अब ये सवाल जैसे आ गया, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो इस तरह से। चलिए अब जैसे मान लीजिए ये सवाल आ गया, तो अब इसको कैसे लगाएं? तो देखिए ध्यान से, 3/8, 8/15 और 15/32 ऐसा लिखा हुआ है। 3/8 क्या लिखा है? 3/8, 8/15 और 15/32। अगर मान लीजिए आपसे सवाल में पूछ दिया कि इसका एचसीएफ बताओ, एचसीएफ पूछा था आपका, इसका एचसीएफ, आपने क्या कहा? सर अंश का एचसीएफ लेना पड़ेगा, मतलब आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, अंश, अंश में कौन कौन है? तो 3, 8 और 15, यानी 3, 8 और 15 का एचसीएफ लेना पड़ेगा, बटे में एलसीएम किसका? हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। हर में कौन कौन है? तो 8, 15 और 32, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं, यानी कि 3, 8 और 15 में आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जरा देखिए, इसका तो 3 ही होगा, इसका 2 की पावर 3 होगा, इसका 3×5 होगा,
आपने क्या कहा था एससीएफ के लिए, ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर, मतलब जो कुछ कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एससीएफ कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यानी आप कहेंगे इसका आंसर वन बटे में, अब नीचे वाला बचा हुआ है अभी, मतलब आपको अभी एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, अरे सॉरी, हाँ एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 8, 15 और 32 का। 8, 15 और इसका बताओ 2 का क्यूब, इसका बताओ 3 गुणे 5, इसका बताओ 2 की पावर 5, इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्स पावर 2 की अधिकतम घात, 2 की पावर 5 माने 32 गुणे में 2, ये तो 3 हो ही गया, मतलब 3 गुणे में 5, 32 पचे 160 और 160 तीन 48, 480 कितना आ गया, 480 माने 1 बटे में 480 इसका आंसर बनेगा, 1 बटे में 480 ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। आप इस तरह से इसका आंसर टिक कर सकते हैं, 1 बटे में 480, ये शानदार सा तरीका, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। समझ में आ रहा ना, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जरा, जैसे देखिए ये भी एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मजेदार सा सवाल है भाई। दो संख्याओं का मौसा 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो लसा नहीं हो सकती। वाह वाह, सवाल को देखते ही बहुत पसंद आ गया भाई, मजा आ गया इस तरह के सवाल को पढ़ के। मौसा यानी HCF दिया है 8, HCF दिया है 8, तो आपसे पूछा है कि लसा कौन सी संख्या नहीं हो सकती, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो लसा नहीं हो सकता। तो एक बात जान लो भाई, बता देता हूं क्या होगा, सुनो ध्यान से। जो HCF होता है ना, वो हमेशा LCM को डिवाइड करता है, मतलब अगर जो भी HCF होगा वो हमेशा लसा को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब कि लसा प जो होता है वो हमेशा मसा प से कट जाता है, लसा प जो होता है वो हमेशा मसा प से कट जाता है, कौन कट जाता है, लसा प, किससे, मसा प से। यानी LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है, मतलब अगर 8 HCF है तो LCM जो भी होगा वो 8 से डिविजिबल होगा, 8 से विभाज्य होगा। आप कहोगे 24 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि 8 3 के 24, 8 से कट रहा है मतलब हो सकता है। 48 आप बोलोगे हो सकता है, क्यों, क्योंकि 8 से कट रहा है इसलिए, ये भी 8 6 48। अब बोलो 56, आपने बोला 8 से 56, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें आप किसकी, 60 की, तो आप क्या कहेंगे, 60 की बात करिए तो आप क्या बोलेंगे, 60 का मतलब 8 के पहाड़े में जो 60 कहीं नहीं आता, मतलब ये नहीं कटेगा, इसका मतलब आपका आंसर होगा कौन सा, 60 वाला, ये कभी भी लसा नहीं हो सकता। और आपसे पूछा है कौन सा मान लसा नहीं हो सकता, तो कौन सा आएगा आंसर इसका, 60 वाला, क्यों, कैसे हमने किया, शानदार तरीका, HCF हमेशा LCM को डिविजिबल करता है, क्लियर है ना, बहुत ही शानदार सी चीज थी ये, बहुत ही शानदार सा सवाल भी था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है भाई, एक क्या लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका उच्चतम मतलब HCF होता है, HCF 4 दिया है और LCM आपसे पूछा है। अच्छा बताओ कॉमन कौन होता है, LCM का मतलब क्या हो गया, ओनली कॉमन मिनिमम पावर, मतलब LCM हमेशा कॉमन होता है, तो जो नंबर हमारा है 3x मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं। अब आप कहोगे अगर इसका HCF आपको निकालना है, तो HCF आप कैसे निकालोगे, आप कहते हो HCF का मतलब ओनली कॉमन मिनिमम पावर, 3 और 4 तो कॉमन ही नहीं, कॉमन है कौन, x है, और HCF का मान तो दे ही दिया ना 4 यहां पे सवाल में, यानी x का मान ही 4 दे दिया है, यानी आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, n1 हो जाएगा 3x मतलब 3 चौको 12, n2 हो जाएगा 4x मतलब 4 चौको 16। अब इसी का LCM बताना है, आप बोलोगे इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 3, इसका मतलब 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 गुणे में 3, अब 2 की पावर 4 16, 16 3 48, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आपने शानदार तरीके से इसका LCM निकाल लिया, 48 आ गया। समझ में आ रहा आप सभी को, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान आसान सवाल है। अब कुछ और भी अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं, जैसे देखिए अगर जो लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं इस चैनल पे, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली रात को टेट की क्लास में आप सभी के लिए लेके आता हूं मैथ्स की बहुत ही शानदार सी क्लास। पूरे हमने अर्थमेटिक का पोर्शन खत्म किया, अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी हमें पूरा एडवांस मैथ पढ़ना है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा भाई, अगर अच्छा लगेगा तभी शेयर करिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इस क्लास में LCM HCF की। आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल हैं, जैसे कि ये सवाल देखिए, एक शानदार सा सवाल,
इस सवाल को कराने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। दो संख्याओं का लसा और मसा 180 और 3 है, उसमें से एक संख्या 45 है। देखिए, अगर दो संख्याओं की बात करें, अगर मान लीजिए दो संख्या है एन वन गुड़े एन टू बराबर हमेशा किसी भी दो संख्या में एलसीएम गुड़े एससीएफ के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी दो संख्या का गुणनफल उसके दोनों एलसीएम तथा एससीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एससीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यह शानदार सी चीज यहां पे आपने सीखा। किसी भी दो संख्या का लसा तथा मसा का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यह सिर्फ दो ही संख्याओं पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि आपको सर तीन संख्या के साथ भी यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, नहीं भाई, सिर्फ दो ही संख्या पे लागू होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा दो संख्याओं का लसा और मसा 180 और 103 दिया है, एक संख्या 45, यानी एक संख्या 45 दे दिया है, दूसरी आपसे पूछा है, एलसीएम आपको 180 दिया है और एससीएफ आपको 3 दिया हुआ है, तीन से काट देंगे कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, 15 से काट देंगे 12 बार में, यानी N2 का मान कितना आ गया, तो आपने कहा 12 आ गया, N2 का मान कितना आ जाएगा 12। शानदार तरीके से आप कर सकते हैं इसका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है ना। नियम आपको ये याद रखना है, कौन सा नियम याद रखना है भाई, आपको याद रखना है N1 गुड़े N2 बराबर LCM इंटू SCF होता है। ये नियम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये नियम है तो आप आसानी से एक संख्या दी हुई है 45 और दूसरी संख्या पूछी है, LCM भी दिया हुआ है, SCF भी दिया हुआ है, यहीं पे SCF भी दिया, LCM भी दिया, एक संख्या भी दी, दूसरी पूछा है, आसानी से कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, देखिए बहुत ही शानदार सा सवाल है भाई, ये भी एक सवाल वैसा ही है। क्या लिखा है, दो संख्या का मस 11, लस इतना है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या, फिर से वही बात कि भैया एन वन गुड़े एन टू बराबर एलसीएम इंटू एससीएफ होता है। ये कॉन्सेप्ट शुभम सर ने आपको बता दिया है, एन वन गुड़े एन टू बराबर एलसीएम इंटू एससीएफ होता है। एन वन कितना है, एक संख्या 77 है, गुड़े में एन टू पूछा है आपसे, बराबर एलसीएम कितना है, आपने कहा एलसीएम आपका दिया 693, अगुड़े में 11 ये दिया है एससीएफ, 11 से काट देंगे 7 बार, 7 से काट देंगे 7 9 63 एन टू बराबर कितना आ गया 99, यानी आपका आंसर कौन सा बन जाएगा 99, ऑप्शन नंबर ए वाला। शानदार सा तरीका, बात समझ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और सवाल देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है, मजेदार सा सवाल है। क्या लिखा है जरा पढ़िए ध्यान से, तीन लड़के एक ही स्थान से चले, तीन लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर हैं, उनके कदम 36 और कितना 48 और 54 सेंटीमीटर के हैं, मतलब तीन लोग हैं, किसी ने 36 का कदम रखा है, किसी ने 48 का कदम रखा है और किसी ने 54 का कदम रखा है, ऐसे अलग अलग कदम रखे उन्होंने, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर फिर से वो एक साथ कदम रखेंगे, मतलब कितनी दूरी जाएंगे तो फिर से वो एक बार एक साथ कदम रख देंगे, यही आपसे पूछा। कुछ नहीं करना, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, इसका मतलब देखो, एक चला 36, एक चला 48 और तीसरा चला 54, तीनों चल रहे हैं, वो कौन सी संख्या होगी जो इन तीनों नंबर से कट जाएगी, वही होगा, यानी आपको निकालना है इसका एलसीएम। अगर आप बस एलसीएम निकाल दो आपका आंसर बन जाएगा। किसका एलसीएम निकालना है भाई आपको, किसका, 36 का, 48 का और 54 का, इनका बस एलसीएम निकाल दो आपका आंसर बन जाएगा भाई। इसका एलसीएम कितना आएगा जरा देखो, 36, 48 और 54 का, देखो लसा निकालते हैं, 36, 48 और 54, 36 का मतलब कितना होता है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 48 का मतलब 2 की पावर 4 गुणे 3, 54 का मतलब 2 गुणे 3 का क्यूब, यानी कि लसा निकालेंगे, लसा का मतलब चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, तो 2 की अधिकतम घात 4 और 3 की अधिकतम घात 3, यानी 16 में 27 का गुणा, 16 गुणे 27, 16 सते देखिए ध्यान से, 16 सते 112 यानी 2 और 16 दुनी के 32, 32 और 11 कितना होता है, 32 और 11 43, यानी ये आ गया 432 मीटर सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर के बाद वो एक साथ कदम रखेंगे, कितना 432 सेंटीमीटर के बाद वो एक साथ कदम रखेंगे। आपसे आंसर मीटर में दिया है तो बटे में 100 कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा, यानी कि 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर के बाद वो आंसर एक साथ रखेंगे, 4 मीटर 32 सेकंड। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लसा निकालना है और कुछ भी नहीं करना, लसा निकाल के आंसर बन जाएगा भाई। शानदार सा तरीका, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, समझिए ध्यान से क्या लिखा है।
यदि नौवीं कक्षा के छात्रों की संख्या 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, कोई भी छात्र नहीं छूटता है, तो उस कक्षा में छात्रों की संभव संख्या कितनी होगी। फिर से वही बात, देखो कहने का मतलब है कि आप 6 की पंक्ति बना लो, 8 की पंक्ति बना लो, 12 की पंक्ति बना लो, 16 की पंक्ति बना लो, ऐसे कितने छात्र हो कि अगर आपकी जो चाहे वो पंक्ति बना लो, किसी भी पंक्ति में कोई छात्र छूटना नहीं चाहिए क्लास में, आप किसी की भी पंक्ति बनाओ। इसका मतलब हमें वो नंबर निकालना होगा जो 6, 8, 12, 16 से कट जाए, यानी हमको एलसीएम निकालना होगा इसका, किसका 6, 8, 12 और 16 का, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपको हो गए 6 मतलब 2 गुणे 3 है, 8 मतलब 2 का क्यूब है, 12 मतलब 12 मतलब क्या है समझो, 12 मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 3 है, और 16 मतलब 2 की पावर 4 है। लॉसा निकालना है ना, एलसीएम क्या बोला आपने, 2 की अधिकतम घात 4 है गुणे 3 की अधिकतम घात 1 है, 16 × 3 = 48, मतलब इसका आंसर 48 बनेगा। मतलब अगर क्लास में 48 स्टूडेंट रहे तो आप 6 की पंक्ति बनाओगे तो भी कोई नहीं छूटेगा, 12 की पंक्ति बनाओगे तो भी कोई नहीं छूटेगा, 8 की पंक्ति, देखो अगर 6 की पंक्ति बनाओगे 48 स्टूडेंट है तो कितनी पंक्ति बनेगी, 6, 8, 48 8 पंक्ति बन जाएगी, 12 की पंक्ति बनाओगे तो कितनी पंक्ति, 12, 12 × 48 4 पंक्ति बन जाएगी, 8 की पंक्ति बनाओगे 8 × 48 6 पंक्ति बच जाएगी, 16 की बनाओगे 16 × 48 किसी में कोई छात्र नहीं छूटेगा, आप जिसकी चाहे उसकी पंक्ति, मतलब इसका आंसर 48 होना चाहिए। अब ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में 48 नहीं दिया है, देखो 60, 72, 78 देखो ऑप्शन में 48 नहीं दिया, तो या तो आंसर 48 होगा या आंसर जो भी होगा वो 48 का ही कुछ गुना होगा, 48 के ही गुणज में होगा, 48 के ही गुणनफल में, मतलब 48 के गुणज 48 से कटने वाली ही कोई संख्या होगी, 48 से 72 60 नहीं कटता, 72 नहीं कटता, 80 नहीं कटता, कौन कटता है, 96, 48, 96, इसका आंसर 96 होगा, बात समझे, या तो 48 या तो 96 या फिर अगला नंबर 144 या अगला नंबर, इस तरह से आप करेंगे कि इस तरह के नंबर सिर्फ होंगे इसमें, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ, बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया है। 3 घंटियां 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी थी तो फिर कब बजेंगे, घंटी वाला सवाल भी आता है हमारे एग्जाम में। देखो 3 घंटियां 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, आप इनका सिर्फ लसा निकाल दो, 12, 15, 18 का लसा कितना आएगा, आप बोलोगे 180 मिनट, ये क्या आया है, एलसीएम आया है, किसका 12, 15 और 18 का क्या आया है, एलसीएम आया, 12, 15, 18 का एलसीएम आ गया 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब 3 घंटा, यानी कि वो 3 घंटे के अंतराल पे घंटियां बजती रहेंगी, 9 बजे बजी थी और 3 घंटे के बाद अब कब बजेंगी, 9, 3, 12 बजे, 12 बजे दोपहर को वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी, जैसे कि 9 बजे बजी थी 3 घंटे बाद बजेंगी, यानी दोपहर के 12 बजे, सिर्फ लसा निकालना होता है इस तरह के सवाल में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया हुआ है, क्या लिखा है, 2 धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 2 तथा 84 हैं, उन संख्याओं का कितना युग्म संभव है, उन संख्याओं के कितने युग्म संभव है यह आपको बताना है। देखिए ध्यान से, 2 धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि आपके सवाल में क्या दिया है, HCF दिया है कितना 2 और LCM दिया है कितना 84, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, मतलब इस तरह की कितनी संख्याएं बना सकते हैं कि जिनका एलसीएम 2 रहे और एलसीएफ, मतलब जिसका एलसीएफ 2 रहे और एलसीएम 84 रहे, कितनी संख्याएं इस तरह की बना सकते हो, इस तरह के आप कितने नंबर्स बना सकते हो। तो देखो आपको क्या करना होगा, हम नंबर्स को मान लेते हैं N1 और N2, अच्छा जरा बताओ कॉमन कौन होता है नंबर्स में, आपको बोलो एलसीएम कॉमन होता है कि एचसीएफ, तो मैंने बताया पहले भी एचसीएफ ही कॉमन होता है, यानी नंबर हमारा 2 नहीं पहला 2x और 2y हो जाएगा, हमने ये नंबर मान लिया। अब हमारा नियम क्या कहता है कि n1 गुणे n2 बराबर LCM गुणे SCF, दो संख्याओं के लिए ये नियम लगता है कि नहीं लगता है, आप बोलोगे बिल्कुल लगता है, N1 कितना है तो आप बोलोगे 2X, N2 कितना है तो आप बोलोगे 2Y, बराबर LCM कितना है 84, SCF कितना है 2, 2 से 2 कैंसल, 2 ने काट दिया 42 बार में, यानी X गुणे Y कितना हो गया, तो आपने कहा 42 हो गया, X गुणे Y कितना हो गया 42 हो गया। अब आपको बताने है कि इस तरह की संख्याओं के कितने पेयर्स बनेंगे, तो आपको क्या करना होगा ना, इस 42 का ही आपको पेयर करना होगा, 42 का पेयर बनाइए आप, कितने पेयर बना सकते हैं, लेकिन वो सारे नंबर, मतलब कौन सी दो संख्या का गुणा x गुणे y है, कौन सी दो संख्या का गुणा करें कि
कि 42 आ जाए, लेकिन वो दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य को प्राइम नंबर होनी चाहिए वो दोनों संख्याएं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर कहेंगे। जब हम नंबर सिस्टम का पोर्शन लेके आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे को प्राइम क्या होता है, मतलब संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो कॉमनली रूप से केवल एक से कटे और किसी से ना कटे उन्हें ही हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जो कॉमन रूप से केवल एक से कटे और किसी से ना कटे उसे ही हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे इसमें बात करें 42 के पेयर्स बनाना है, आपने कहा 1 और 42, अगर 1 और 42 का गुणा करेंगे हम, 42 से कम 42 और 1 और 42 का एचसीएफ कितना होगा, कॉमन रूप से किससे कटेंगे, एक से कटेंगे, यानी को प्राइम नंबर है। अगला पेयर बनाते हैं, आपने कहा कि 6 और 7 बना लेते हैं, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 गुणे 7, 6 सते 42, यानी एक और पेयर बनेगा 6 और 7 का, यानी कि इसमें कितने नंबर होंगे, तो 6 और 7 ये दोनों को प्राइम है कि नहीं है, इनका एचसीएफ 1 है यानी ये दोनों नंबर को प्राइम है। अगला नंबर बनाते हैं, आपने कहा 21 और 2 बना लेते हैं, 21 दुनी के 42, 21 और 2 को प्राइम है कि नहीं है, है यानी ये भी हो सकता है। और अगला पेयर बनाते हैं 14 गुणे 3, 14 3 42, ये भी तो हो सकता है ना, 14 गुणे 3 ये भी तो हो सकता है ना, यानी एक्स वाई के मान, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता, यही 4 नंबर हो सकते हैं, यानी एक्स वाई के मान यही 4 नंबर होंगे। कौन कौन से देखिए, कौन कौन से, यही 4 नंबर जो यहां पे लिखे हैं, 1 और 42, 6 और 7। अब देखो ये मान, क्या ये हमारे लिए संख्या है, नहीं नहीं ये हमारे लिए संख्या नहीं है, ये हमारे लिए एक्स और वाई का मान है, ये हमारे लिए क्या है, x और y के मान है हमारे लिए। संख्या हमारी क्या होगी, 2x और 2y, मतलब अगर x का मान 1 रखते हो तो संख्या 2x माने 2 और 42y माने 2y, मतलब 42 दुनी के 84, एक संख्या अगर 2 और 84 होती है तो उसका एचसीएफ 2 और एलसीएम 84 होगा। या फिर अगर आप 6-7 रखते हो तो 6-7 मतलब 6 दुनी के 12 और 7 दुनी के 14, मतलब वो संख्या 12-14 अगर हुई, सपोज करिए कि आपके पास अगर 12-14 है, 12-14 दो संख्याएं हैं, तो उसका एचसीएफ 2 होगा और उसका एलसीएम 84 होगा। अगर आप मान लो एक्स वाई का मान 21 और 2 रखते हो तो 21 दुनी 42 और 2 दुनी के 4, 42 और 4 भी ऐसे नंबर है जिनका एचसीएफ 2 होगा और इनका एलसीएम 84। ऐसे ही आप 14 और 3 भी रख के चेक कर सकते हो, 14 दुनी के 28 और 3 दुनी के 6, 28 और 6 भी ऐसे नंबर है जिनका एचसीएफ 2 और जिनका एलसीएम 84 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी संख्याएं नहीं है, लेकिन यहां से हमें ये जरूर बता देंगे कि कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहां से कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, इसका मतलब 4 पेयर्स बनाए जा सकते हैं। आपको करना क्या होता है, अब इसको शॉर्ट तरीका से कैसे लगाएं, तो देखो आपको क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूं, समझिए ध्यान से बात को, शॉर्ट तरीका से इसको कैसे लगाएं, जल्दी से कैसे लगाएं, तो समझिए आपको क्या करना होगा पूरे में, मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, n1 गुणे n2 बराबर LCM गुणे SCF, आप जानते हैं जो SCF होता है ना वही नंबर होता है। N1 आपका कितना हो जाएगा, SCF आपका 2 है तो N1 आपका 2X और 2Y हो जाएगा, ये आपके N1 N2 हो गए। LCM का मान दिया है सवाल में, कितना दिया है 84, और SCF का मान 2 दिया है, 2 ने 2 से काट दिया, 2 ने काट दिया 42 बार में, यानी X गुणे Y कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 42 आ जाएगा। अब इसी के आपके सारे फैक्टर्स ढूंढने, लेकिन सारे फैक्टर्स को प्राइम होने चाहिए। कौन से दो संख्याओं का गुणा करने पर वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए, उनका गुणनफल 42 आ जाए, तो आप बोलोगे एक तो 6 और 7 बन जाएगा, पहला पेयर बना, दूसरा पेयर 42 और 1 का बन जाएगा, दूसरा पेयर बना, तीसरा 21 और 2 का बनेगा, तीसरा पेयर बना, और चौथा 14 और 3 का बनेगा, ये 4 पेयर बनेंगे, यानी कुल मिलाकर ऐसे 4 पेयर्स यानी 4 युग्म संभव हैं। तो आप इसका आंसर कौन सा बोलोगे, सर 4 युग्म संभव हैं इसके, इस तरह से आपने आंसर कर दिया। ये भी एक तरह का सवाल लसम असम में बनता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसको देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा वैसा ही सवाल है कि दो संख्याओं का मसप 12 और लसप 924, तो कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, n1 गुणे n2 बराबर LCM गुणे LCF, यही होता है ना, यही होता है ना नियम N1। अब बताओ SCF कितना है, 12 है, तो N1 कितना होगा, 12x गुड़े में 12y आपका N1 × N2 हो जाएगा। LCM कितना दिया है, LCM दिया है 924, तो 924 गुड़े में SCF कितना, 12, 12 से 12 कैंसिल, 12 ने काटा,
12 सत्ते 84 माने x गुड़े y कितना आ गया 77। अब आपको किसके पेयर ढूंढने हैं, तो आप बोलोगे 77 के ढूंढने हैं। कौन कौन से बनेंगे, एक तो 77 और एक बन जाएगा पहला पेयर, दूसरा 11 सत्ते 77 दूसरा पेयर, और कोई भी पेयर संभव नहीं है, यानी इसके कितने पेयर संभव होंगे, दो पेयर संभव होंगे। बात समझ में आई ना, इस तरीके से आप कर सकते। आप बोलोगे 77 और एक, एक और 77 क्यों नहीं, बात वही है, एक 77 रखो या 77 एक रखो, दोनों चीजें वही है, सेम टू सेम। तो आंसर इसके कितने होंगे, दो पेयर, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, बहुत ही अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। देखिए कैसे करना है इस सब सवालों को, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर शेषफल 2 बचे, ये आपको बताना है। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर शेषफल 2 बचे, ऐसा लिखा हुआ है। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो आप इनका क्या निकालो, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। आप बोलोगे 12 मतलब 8 बचे 40, 40 से 120, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 120। अब आप बड़े हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम आपका आ गया 120, एलसीएम 120 आ गया। अब पांच अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या ना, डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ चुके हैं, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप 120 से भाग कर दीजिए, कितना बचा जरा बताइए। यहां के बाद पूरा डिविजिबिलिटी रूल लगता है, जो मैंने विभाजिता में सवाल कराए थे इस तरह के, वैसे ही सवाल यहां के बाद बन जाता है। यानी कि पांच अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 120 से भाग करने पर शेषफल 2 बचे, अब सवाल ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो यानी 120 से भाग करिए, 12 से भाग करिए, 12 8 96, 960 कितना बचा 39, 9 फिर से उतारेंगे 12 3 36, 360 कितना बचा 39, फिर 9 उतारेंगे 3 बार में 360 कितना बचा 39, यानी आपका रिमाइंडर 39 बच रहा है, ठीक है ना। आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 39 बच रहा है। मतलब आपकी वो संख्या कौन सी होगी, अगर 99999 ऐसे, इसमें से अगर आप 39 घटा दें, क्योंकि 39 ज्यादा आ रहा है, रिमाइंडर 39 आ रहा है, 39 अगर आप घटा दें तो आपका नंबर कितना आ जाएगा 9999। देखिए 999 और उसके बाद कितना आएगा 60, यानी आपका नंबर 99960, ये वो नंबर है जो 120 से पूर्णतया कट जाएगा, क्योंकि 39 ज्यादा था, हमने 39 हटा दिया, तो अब ये वो नंबर है जो 120 से पूर्णतया कट जाएगा। आपको वो नंबर नहीं बताना जो 120 से पूर्णतया कट जाएगा, आपको वो नंबर बताना है कि 120 से भाग करने पर शेषफल 2 आए, आप इसी में 2 जोड़ दो ना भाई, तो आपका नंबर कितना बच जाएगा 9996 और 2, मतलब आपका नंबर 99962। ये वो नंबर होगा जिसको अगर आप 9 से भाग, जिसको अगर आप 3, 5, 8, 12 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचेगा, ये वो नंबर होगा हमारे लिए। बात समझ में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लसा निकालना है, किसका लसा निकालना है, जो नंबर दिया हुआ है उससे भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद आप क्या करिए, जो शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है सवाल में, वो शेषफल घटा के वही जो सवाल का शेषफल है वही इसको ऐड कर दीजिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब इसी को हम थोड़ा ट्रिक से पढ़ते हैं कि थोड़ा जल्दी से कैसे कर लें, ऑप्शन से कैसे कर लें। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं कैसे करना है। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इतना से भाग करने पर शेषफल 2 आए, यानी कि आपको देखो कि उसमें 3 कहीं ना कहीं है, 4, 12 में भी 3 है, 3 × 4 होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं 3 है, यानी 3 से भाग करने पर शेषफल 2 बचना चाहिए, यही तो बात है ना। 3 से भाग करने पर शेषफल 2 बचना चाहिए, हमने एक ऑप्शन उठा लिया 3 वाला कि 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आना चाहिए। जरा देखो ये तो पूरी तरह 3 से कट जाएगा क्योंकि सारे 9 है, तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। इसको चेक करो, 3 की विभाजिता का नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटती है। अब अंकों का योग 9 9 9 27, 27 5 32 32 8 40, 40 13 39, शेषफल आपका 1 आ रहा है, आना कितना चाहिए था 2, क्योंकि सवाल में 2 की डिमांड है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करो 3 से, क्या इसमें भाग करने पर 3 से रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जोड़ो 9 9 9 27 27 6 33 33, तो पूरी तरह से 3 से कटता है, यानी इसका तो शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 तो ये भी हमारा नहीं, हमें शेषफल चाहिए कितना 2 चाहिए। इसको चेक करो 9 9 9 9 9 6 0, 9 3 27 8 6 33 2 35 35 में अगर आप 3 से भाग करेंगे तो 11 3 33, शेषफल 2 बच जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं विद द 3 और 9 की डिविजिबिलिटी, सवाल में 3 दिया है कि 9 दिया है, सवाल में 3 दिया था तो 3 की डिविजिबिलिटी आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है, इस तरह से हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ऑप्शन से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं सवालों को दिखाता हूं कैसे ऑप्शन से करेंगे। जैसे ये सवाल को देखिए,
कौन सी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 आए। यानी यहां देखो यार 54 है ना, इसका मतलब क्या होता है, 9 × 6 होता है, मतलब आपको 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करिए, 9 से भाग करने पर शेषफल 4 आना चाहिए। 9 की विभाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो नंबर 9 से डिविजिबल होती है, या अंकों का योग का जो रिमाइंडर आता है वही उसका रिमाइंडर आता है। 4 × 2 = 6, 4 = 10, 10 में अगर 9 से भाग करोगे तो शेषफल 1 आएगा। आपको चाहिए कितना, 4, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको देखो 434, 4 × 3 = 7, 4 = 11, 11 में 9 से भाग करोगे शेषफल 2 आएगा। आपको चाहिए कितना, 4, मतलब ये भी नहीं हो सकता। आप इसको देखो 514, 5 × 6 = 4, 10, 10 में भाग करोगे शेषफल 1 आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 5 × 4 = 9, 4 = 13, 13 में 9 से भाग करोगे तो शेषफल 4 आ जाएगा। यानी ये वाला आंसर ऑप्शन से बिना सॉल्व किए आप कर सकते हैं, ऑप्शन से बिना सॉल्व किए ट्रिक से आप इससे सवालों को लगा सकते हैं। अगर आपको सॉल्व भी करना होगा तो कैसे करेंगे, इसका लसा निकालेंगे जो कि आएगा 540, इसी में आपको 4 जोड़ के आंसर बताना होगा 544। ये शानदार तरीका, और ये उससे भी शानदार तरीका ऑप्शन से कर लें। कभी भी होता है कि ऐसा दो ऑप्शन मैच कर जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, 99% क्वेश्चंस में नहीं होता है जो पेपर में आते हैं। कभी कभी कोई सवाल जो किताब में अपने मर्जी से लोग बना देते हैं उसमें हो जाता है, पेपर के सवालों में ऐसा नहीं होता, ऑप्शन ऐसा बनाए जाते हैं कि एक ही कटे बस, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखिए ध्यान से, ये भी वैसा ही सवाल है, इसको भी वैसे ही लगाया जा सकता है। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर इससे प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए, बात तो वही हुई ना, यानी इससे पूर्णतया विभाजित हो जाए लेकिन उसमें 5 जोड़ा जाए तब, यानी शेषफल 5 आए, वो संख्या बतानी है। तो आप इसी, आप क्या करो, इसमें देखो 9 है कि नहीं, 9 × 4 है, यानी इसमें 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, यहां भी 9 है, 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। जैसे इसमें चेक करिए, शेषफल आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए शेषफल आपका, तो 4 × 2 = 6, 6 × 7 = 13, 13 में 9 से भाग करेंगे शेषफल 4 आएगा, 5 चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, ये तो 9 से पूरी तरह कट गया तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 8 × 5 = 13, देखो 9 इसको जोड़ो, 9 × 5 = 14, 14 × 8 = 22, अगर भाग करोगे तो शेषफल 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 8 × 5 = 13, 9 = 22, ऑप्शन 9 से भाग करोगे 22 में, 9 × 2 = 18, 4 बच जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 8 × 6 = 14, 14 × 9 = 23, 14 × 9 = 23, 9 से भाग करेंगे 9 × 2 = 18, शेषफल 5 आ जाएगा इसमें, यानी यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपको करना कैसे है, आपको क्या करना है, इनका लसा निकालना है और उसी में आपको 5 जोड़ देना है। इनका लसा कितना आएगा, 864 आएगा, कितना, और उसी में 5 जोड़ेंगे तो 869 आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये ट्रिक से करिए आप, बहुत मजा आता है इस ट्रिक के सवाल से करने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हमारी थी ये टेट के लिए थी, हमने एलसीएम एसएफ खत्म किया। पिछली क्लास में हमने एलसीएम पूरा थियरी पढ़ाया था, इस क्लास में मैंने आपको एलसीएम एसएफ के प्रैक्टिस करा दिए सवालों के, बहुत सारे सवाल लेके आया था, और वीडियो का सेशन ये एंड होता है यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ट्रिक आपको मजा आया पढ़ के, तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर बहुत मजा आया, कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन भी आप पूछते रहा करिए कमेंट्स में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, गुड नाइट।